आप सभी लोगों को संजय सिन्हा का प्रणाम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डॉक्टर गुमाश्ता जी ने सौंप दी है। मैं तो सोच रहा था प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं खुश था कि इस बार बिना बोले जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं जब भी जबलपुर आता हूँ तो बहुत सारी बातें मैं कह जाता हूँ, पर जाते जाते उन्होंने चुपचाप से धीरे से फिनिशिंग टच का काम मुझे सौंप दिया है। तो जो मैंने सोचा कभी होगा कि मुझे क्या बोलना है, वो सब मैं भूल गया हूँ, क्योंकि अब मुझे नक्काशी करने का काम सौंपा गया। एक तरीके से ऐसा मुझे लग रहा है, हीरा तो जो है सब सामने है। दीदी से मैं 4 साल पहले मिला था जबलपुर में, सबसे पहली बार डॉक्टर नरेश ग्रोवर भैया मुझे उनसे मिलवाए थे, वो मुझे अपने साथ ले गए थे। मैं दिल्ली से आया था, मेरे साथ 3-4 और पत्रकार साथी थे, और जब मैं विराट हॉस्पिस में जा रहा था तो मेरे 2 साथी, तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर जा ही नहीं सकता उस हॉस्पिस में, मैं कैंसर के उन मरीजों को देख ही नहीं सकता जो अपने आखिरी स्टेज में हैं। मेरी माँ की मृत्यु कैंसर से हुई थी, मैं कैंसर की पीड़ा को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, और मैं उनकी पीड़ा को बहुत शिद्दत से समझता हूँ। जब मैं दीदी के पास गया था पहली बार, तो इन्होंने मुझे कुछ मरीजों से मिलवाया था और मुझसे ये कहा था कि संजय भैया, इनमें से कौन कितने दिन का मेहमान है मैं नहीं जानती, लेकिन जितने भी दिन वो रहें उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार होनी चाहिए, इसका मैं प्रयास करती हूँ कि वो सुख से अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल को जी पाएं। अगर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और इसे कोई गलत ना ले, तो मैं कहूँगा कि तब दीदी की उम्र 18 वर्ष थी 4 साल पहले, वो बालिग हो गई थी, आज 21 की हो गई हैं, पुरुष होती तो फिर बालिग हो जाती हैं, क्योंकि उनके संन्यास का यह 21वां वर्ष है। किसी किसी व्यक्ति में एक चुंबकीय शक्ति को हम महसूस करते हैं, अपने भगवान की तस्वीरें देखते हैं तो पीछे में एक ऑरा दिखता है आपको उनके, मैंने दीदी में वो ऑरा देखा था, और तब से लेकर मैं अब तक लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और सच कहूँ तो मेरा ही एक सपना पूरा हो रहा है। जब मेरी माँ कैंसर से मरी थी, मैं सोचता था कि मैं कभी बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊँगा, कैंसर के मरीजों के लिए कोई अस्पताल खोल दूँगा, लेकिन मैं विज्ञान नहीं पढ़ा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन जब मैं दीदी के इस हॉस्पिस से जुड़ा तो मुझे लगा कि मैं अपने तरीके से जो कुछ भी कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा, देश दुनिया जहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं विराट हॉस्पिस की खबरों को पहुँचाता हूँ, उनकी कहानियों को पहुँचाता हूँ, उनकी संवेदना को पहुँचाता हूँ। हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ों को पहुंचाता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आज कि आप सभी लोगों ने दवा की फैक्ट्री देखी होगी, आपने देखा होगा गोल गोल लंबी लंबी दवाएं, सिरप वाली दवाएं। जब मैं दीदी से मिला था तो मैंने दुआ की फैक्ट्री देखी, दो पंक्तियां अर्ज करूंगा और यही बात खत्म कर दूंगा कि जिंदगी भर मैं तलाशता रहा ताकत दवाओं में, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं में। जब मुझे डॉक्टर गुमाश्ता ने बताया था कि कैंसर के मरीज जो आखिरी स्टेज में होते हैं और शरीर की भयंकर पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, तब भी ये मॉर्फिन उन्हें नहीं देते हैं, ये अपने स्नेह का स्पर्श उन्हें देते हैं और उन्हें उस पीड़ा से मुक्त करते हैं, शायद मानवता की इससे बड़ी सेवा मैंने कहीं और देखी नहीं है। सचमुच ये बहुत सराहनीय है। और मैं एक आखिरी बात कौस्तुभ पटेल जी के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर साहब, उनके जो साथी जो उनको लेकर यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर गहलोत, विजय गहलोत, उन्होंने एक बात कही कि इनकी उड़ान कहाँ रुकेगी मुझे नहीं पता है, मैं चाहता हूँ कि उनकी उड़ान रुक जाए डॉक्टर कौस्तुभ पटेल की, और वहाँ रुक जाए जहाँ वो उस दवा की खोज कर दें जहाँ मरीज को डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। बस इतनी सी बात में मैं अगर तराश पाया हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तराश पाया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टर ज्ञानेश्वरी जैसे लोग, डॉक्टर गुमाश्ता जैसे लोग ईश्वर की तरफ से भेजे हुए लोग होते हैं, और इनको जितनी बार नमन कहा जाए वो कम है। धन्यवाद आपका।